कार्ड। और अबे तुम, अबे डेविड में भगाए थे, अभी वापस आ गए? अबे जूते मार के भगाएंगे। अरे भाई उठ जा, तुम 1 महीने से वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो? ठीक है, यूट्यूब वीडियोस समझ आता है, मैं 1 महीने से नहीं बना रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आई थी, मैं सो गया था। तुम हमेशा टॉयलेट से काई निकालते हो, मेरे टॉयलेट में इससे लगता है बसेरा बना के रखा हुआ है। अरे रुक, तो मुझे टॉयलेट में देखने दे, तेरे फैमिली बैठा हुआ है वहां पे, वहीं से क्यों निकालते हो बे तुम? देखो भाई ये मेरा मर्जी है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारी अकेली तहसी रिमोट से तुम्हारा सर उड़ा दूँ। आप देख रहे हो स्पेलविंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 23 मेगापिक्सल का फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा रहता है या 23 मेगापिक्सल का DSLR कैमरा। ऑफकोर्स भाई उन दोनों के प्राइजेस में जमीन आसमान का फर्क होता है, बट मान लो फोन है जिसका सेंसर 23 मेगापिक्सल का है और एक DSLR है जो 23 मेगापिक्सल का है उसका भी सेंसर, तो दोनों में DSLR क्यों एक अच्छा फोटो लेता है कम्पेयर टू 23 मेगापिक्सल का फोन? दोनों में तो 3 मेगापिक्सल का सेंसर में। आज मैं तुमको वही समझाने वाला हूँ, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो लग सकता है। तो चलो गाइस हम लोग अभी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने के पहले भाई मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाए इतने दिन से, सिंपल मेरा एग्जाम्स चल रहे थे और भाई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि भाई एग्जाम कॉपी करेक्शन सब देखना पड़ता है, वो सब के चक्कर में हमेशा हम लोग वीडियो नहीं बना पाते। कोई नहीं, अब तो देख पाऊंगा कि छुट्टी है 14 तारीख तक रेगुलर वीडियो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो जब एक 23 मेगापिक्सल का जो DSLR फोटो लेते हैं और एक 23 मेगापिक्सल का फोन जब फोटो लेते हैं, इन दोनों में क्यों इतना फर्क होता है? सिंपल रीजन है उनका सेंसर का साइज। तुम लोग देख सकते हो एक फोन का जो कैमरा होता है वो खुद इतना छोटा होता है और कैमरे का जो सेंसर होगा तब वो और छोटा होगा। ऑफकोर्स अगर फोन का कैमरा का सेंसर ही इतना छोटा है तो भाई तुम लोग बताओ कि कैसे वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा। अगर तुम लोग ने मेरी YouTube टिप्स की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बोला था कि अगर वीडियो अच्छी बनानी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए तो मोर लाइटिंग शुड बी नीडेड, देयर शुड बी मोर लाइटिंग, बिकॉज भाई अगर तुम्हारा लाइट ही कम है तो बहुत पिक्सेलेटेड आएगा। कम लाइट हुई तो तुम दिखोगे ही नहीं ऑफकोर्स, बट अगर थोड़ी सी लाइट है तो थोड़ा पिक्सल आएंगे क्योंकि जो छोटा सा ऐसे ही सेंसर है और वो सेंसर अगर कम लाइट ऐसी जितना लाइट है उनमें से सेंसर एक अगर छोटा है तो बहुत ही कम हिस्सा लेगा लाइट का, बट अगर सेंसर बड़ा है जैसे एक DSLR का कैमरा उसका सेंसर ऑफकोर्स बहुत बड़ा होता है, तो जब कोई लाइट जितनी भी लाइट आती है वो DSLR का कैमरा बहुत ज़्यादा ले लेता है। मतलब मान लो बहुत थोड़ी सी लाइट ही है पर जितनी छोटी भी है DSLR का अगर सेंसर बड़ा है तो वो पूरा ही ले लेता है, यहाँ पे जो एक मोबाइल का छोटा सा सेंसर होता है वो थोड़ा सा ही अमाउंट ऑफ लाइट ले पाता है। इसलिए फोटो की क्वालिटी में और वीडियो क्वालिटी में बहुत फर्क आता है कि लाइट डिपेंड ऑन द क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी डिपेंड ऑन लाइट, मैं बहुत उल्टा सीधा बोल रहा हूँ पता है मुझे। तो यही एक रीज़न होता है कि जो सेंसर होगा उसका साइज। भाई अगर तुम लोग ने सेंसर के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, सेंसर के बारे में पता चल जाएगा। ओके तो वही है भाई, अगर सेंसर साइज छोटा है तो लाइट वो कम कैप्चर करेगा जिससे वीडियो क्वालिटी खराब आएगी। वहीं पर अगर DSLR का जो सेंसर होता है बड़ा होता है तो वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। सिंपल और कुछ नहीं, मैंने समराइज भी करवा दिया, और कुछ नहीं जानना तो मत बोलना। और भाई आप दिसंबर में लास्ट एक नॉलेजेबल वीडियो आई थी, अब एक और नॉलेजेबल वीडियो आ गई, ठीक है अब मैं थोड़ी नॉलेजेबल वीडियोज भी बनाऊंगा एंड मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। यही था आज का वीडियो, में अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, मैं अगली वीडियो गेमिंग पे बनाने वाला हूँ तो बी रेडी फॉर इट। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर करो तो सबको पता चले कि एक फ़ोन का कैमरा और DSLR कैमरे में इतना फर्क क्यों होता है। तो ठीक है मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, चैनल को कौन लाइक करता है, एक गोटिया क्या करता रहता है, स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख दिया है तूने। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को भी शेयर करना है तो कर दो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा टाटा बिल्ला मनी बाय, जय हिंद वंदे मातरम, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पेलविंग नॉलेज को, गुड बाय। अरे गोटिया ये क्या भाई, वीडियो तो बड़ी छोटी बनी पे, वर्स्ट टाइम तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है अगला वीडियो बड़ा बनाएंगे, है ना? हाँ बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे भाई, इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे ना तुम्हारे इंटरनेट खत्म हो जाएगा, जियो खत्म हो जाएगा, अगर वाईफाई तो वो भी खत्म हो जाएगा, पर वीडियो बहुत बड़ी बनेगी।